ज्योति स्पेशल फूड कॉर्नर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और सेफ होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सत्तू की रेसिपी। सभी लोग जानते हैं गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो गर्मियों में ठंडी चीज़ें खाने का मन करता है, ठंडी ड्रिंक्स पीने का मन करता है। तो आज मैं आपके लिए सत्तू की रेसिपी लेके आई हूँ। कितनी आसानी से हम घर पर सत्तू बनाकर तैयार कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम सत्तू की रेसिपी। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन है उसे भी प्रेस जरूर कर दें। इससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज अपनी सत्तू की रेसिपी। ले लिया है और एक गिलास से आपके हमने ठंडा पानी ले लिया है, जो फ्रिज का बिल्कुल चिल्ड पानी है। और अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे किसी भी चीनी या बूरा। मैंने ये बूरा लिया है। एक चम्मच इसमें ठंडाई में, हम जो हम एक गिलास ठंडाई बना रहे हैं, इसमें हम दो चम्मच जो है बूरा डालेंगे। किसी भी चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डालकर अब सबसे पहले हम इसे अच्छे से इसमें घोलेंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से सिर्फ एक मिनट के अंदर हमारा जो बूरा है वो इसमें घुल गया। आप किसी भी चीनी भी ले सकते हैं, और आपके पास अगर बूरा और किसी भी चीनी दोनों अवेलेबल नहीं है तो आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये चीनी को घुलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, और बूरा और किसी भी चीनी बहुत आसानी से घुल जाती है। तो अभी हमारी ये चीनी घुलकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालते हैं सत्तू। तो एक गिलास सत्तू बनाने के लिए हमें इस चम्मच से, इतने बड़े चम्मच से, एक, दो और ये तीन चम्मच सत्तू की ज़रूरत पड़ती है। इससे आपका सत्तू जो है वो गाढ़ा बनता है, और सत्तू जब तक गाढ़ा ना हो तब तक अच्छा नहीं लगता। तो इसे विस्क करेंगे अच्छी तरह। तो आप ये देख सकते हैं घुलकर तैयार हो गया है सत्तू। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए गाढ़ा भी है और परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब हम इसमें डालते हैं, ये काजू है, मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, तो अब मैं इसमें थोड़े से ऐड करती हूँ। ये बादाम है, दो साइज़ में मैंने काटे हैं, ये गार्निशिंग के लिए, और ये इसमें मैं कटे हुए बादाम डाल दूंगी। पिस्ता है, इसको भी थोड़ा सा डाल देते हैं, बाकी गार्निशिंग के लिए बचा लेते हैं। और ये है नारियल, सूखा नारियल है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया। आप चाहें तो हरा नारियल भी यूज़ कर सकते हैं। इसे दोबारा से व्हिस्क करें। तो ये देखिए हमारा सत्तू बनकर तैयार है। अब हम इसे ग्लास में पोर कर लेते हैं। आपको ग्लास का साइज मैं दिखा चुकी हूँ। इतना बड़े ग्लास के लिए आपको तीन चम्मच सत्तू की ज़रूरत पड़ती है, और दो चम्मच पिसी हुई चीनी या बूरे की। अब हम इसमें अपने जो सत्तू है इसको डाल देते हैं। ये मैंने डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा गार्निशिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे नारियल, कटे हुए बादाम, थोड़े से पिस्ता, थोड़े से काजू, और ये हैं थोड़े सीसम सीड्स यानी तिल, थोड़े से ये भी डाल देते हैं। टोटली ऑप्शनल है, जो जो ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो ड्राई फ्रूट मैं आपको दिखा रही हूँ वही ड्राई फ्रूट्स आप यूज़ करें। तो ये ड्राई फ्रूट्स आप जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ करें, और इस तरह से सत्तू बनाकर घर में सबको पिलाएं, और गर्मियों में इस सत्तू का, ठंडे ठंडे सत्तू का आनंद उठाएं। और आप इसमें ठंडी बर्फ़ डाल के भी इसे बिल्कुल चिल्ड कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमने कितनी आसानी से सत्तू की रेसिपी बनाकर तैयार की। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। एक बार इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रेसिपी में।